बहुत सारे लोगों को मुआवजा अभी भी मिला नहीं है, और सिर्फ मिला नहीं है, जो रवैया उनके साथ है वहाँ की प्रशासनिक पूरा ढांचा का, वो बहुत ही खेदजनक है। बहुत गलत हुआ प्राचल साहब के साथ, बेहद गलत हुआ। हमारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ने भी उसका पूरा विरोध किया, प्रधानमंत्री को चिट्ठी दी, राष्ट्रपति जी को दिया। देखिए, जब किसी की अर्निंग मेंबर या बच्चे का डेथ होता है, ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट और जीविका अनिवार्य है, वरना वो दुख तो कभी भर ही नहीं सकता है, कम से कम सर्वाइवल तो होना। ये दिल्ली सरकार का रवैया में नहीं है। दिल्ली दंगों को तकरीबन एक साल होने को जा रहा है, अभी तक जो पीड़ित हैं उनको इंसाफ नहीं मिल पाया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज अखबारों में ये बताकर कहा है कि सबसे फास्ट हमने जो है सबसे जल्दी हमने लोगों को मुआवजा दिया है। उसमें एक अमाउंट का भी जिक्र किया गया है और ये कहा गया है एक साल के अंदर अंदर सबको मुआवजा दे दिया गया है। कितना इंसाफ मिला है, इसी को लेकर के आज दिल्ली के प्रेस क्लब में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वृंदा कराज जी हमारे साथ मौजूद हैं, हम इस पूरे मामले पर बात करेंगे। मैम, क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से दिल्ली सरकार ये दावा कर रही है कि हमने इंसाफ दिला दिया। देखिए, कुछ हद तक जो 26 करोड़ रुपया दिया है वो तो उनका मुआवजा का पैकेज है, लेकिन हो सकता है कि लॉकडाउन के कारण या क्या है, बहुत सारे लोगों को मुआवजा अभी भी मिला नहीं है, और सिर्फ मिला नहीं है, जो रवैया उनके साथ है वहाँ की प्रशासनिक पूरा ढांचा का, वो बहुत ही खेदजनक है। अब जो खुद जो है ना पीड़ित है, और आप बार बार उनसे वहाँ बुलाएंगे और फिर बार बार तंग करेंगे, वही बयान बार बार देने की बात है, वो सही नहीं है। इसके अलावा उस मुआवजा पैकेट में कैश है, लेकिन हकीकत ये है कि जिनके मेन अर्निंग मेंबर फैमिली, उनका जो हत्या हुआ है, परिवार कैसे चल सकता है? परिवार चल सकता है अगर कोई वैकल्पिक जीविका प्रावधान किया जाए सर्वाइवर्स को। अब इतने विधवाएं हुए हैं या मतलब डेस्परेट हो रहे हैं, तो इसलिए वो मुआवजा पैकेट में ही कमी है। एक तो जीविका, दूसरी बात है माइनर्स के लिए केवल 5 लाख रुपया, ये कौन मतलब उसकी बुद्धि क्या है? अर्निंग मेंबर नहीं है, इसलिए फिर अगर मेरा बच्चा मेरे से छीना जाता है तो भविष्य तो बच्चे ही मुझे मेरा देखता ना, ये भी तो एक बात है। मतलब द लॉस इफ यू लुक एट द फ्यूचर, लेकिन इनकी कोई समझ ही नहीं। बच्चों की जिस तरह से तालीम का पूरा खर्चा उठाना चाहिए या किसी को नौकरी देनी चाहिए, जिस तरह सिख राइट्स में जिस तरह से पूरा चला है, कई बार मुआवजा मिला है, लेकिन इस मामले में ये देखने में आ रहा है कि शुरू से ही दिल्ली सरकार का जो रवैया रहा है, ख़ासतौर से जब ये पूरा दंगा हुआ था उस वक्त जिस तरह से कैंप लगाया गया और फिर कोरोना का बहाना करके, लॉकडाउन का बहाना करके रातों रात उन टेंट को खाली किया कराया गया, उसके बाद जिम्मेदारी दे दी गई वक्फ बोर्ड को कि वक्फ बोर्ड पूरा काम देखेगा, सरकार की जिम्मेदारी बनती थी, सरकार ने कहीं ना कहीं उससे अपने आप को छुड़ाया। और अब जिस तरह से अपनी पीठ थपथपाई जा रही है केजरीवाल के ज़रिए, अभी जिसको मैं बारीकी से देख रहा हूँ, शुरू से ही बार बार लोगों को बुलाया जाता है SDM ऑफिस डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए, और उसके बावजूद मुआवजा, उसके साथ एक चीज़ और देखने में आ रही है, वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए गैर मुस्लिमों की बहुत बड़ी तादाद है जिनको मुआवजा मिला है। देखिए, मैं उस तरह नहीं देखती हूँ, क्योंकि जो पीड़ित है वो पीड़ित है, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि जो एक सहानुभूति होनी चाहिए किसी सरकार की उनके प्रति, वो आप ऐसे रवैया अपना रहे कि हमने 10 लाख दे दिया और छुट्टी करो, या हमने तुम्हारा दुकान जला दिया, अगर 5 लाख का नुकसान है हमारे पैकेज में, अगर 1 लाख रुपया है तो करके हमने बता दिया 26 करोड़ रुपया। हकीकत क्या है? देखिए, जब किसी की अर्निंग मेंबर या बच्चे का डेथ होता है, ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट और जीविका अनिवार्य है, वरना वो दुख तो कभी भर ही नहीं सकता है, कम से कम सर्वाइवल तो होना।
ये दिल्ली सरकार का रवैया में नहीं है, शुरू से ये एक बहुत कमी रही है। दिल्ली पुलिस को के ऊपर भी शुरू से ही इस पूरे मामले पर सवाल उठ रहे हैं, जैसा कि अभी आपने पीसी में जिक्र किया कि हाई जज ने एक पूरा मामला उठाया था, बाकायदा वीडियो सुना करके ये कहा गया था कि पुलिस 24 घंटे के अंदर एक्शन ले और उसके बाद रातों रात उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जो न्याय प्रक्रिया है उसके ऊपर भी सवाल खड़े हैं। निश्चित, मैं आपको बता रही हूँ 29 जनवरी को मेरे अपने पिटिशन और कंप्लेन पुलिस को कपिल मिश्रा के भड़काऊ भाषण जो चुनाव के समय दिया, अनुराग ठाकुर का भड़काऊ भाषण जो चुनाव की तरफ दिया, एक साल हो रहा है, कहाँ, मुझे तो सुनवाई नहीं हो रही है, अदालत टाल रही है। तो एक बात बताइए, जब इस तरह का रवैया होगा अदालत का तो नेचुरली जो दोषी हैं, जो जहर फैलाने का पेशा है उनका पॉलिटिक्स में, वो तो और भी ताकतवर होंगे। और इसलिए कपिल मिश्रा की हिम्मत हुई कि कल वो बोला कि भाई अगर मुझे फिर दोबारा बोलना मैं फिर बोलूँगा। क्यों, कैसे, अगर वो जेल में होता जो होना चाहिए था तो जेल से वो बोल सकता था, लेकिन खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोल रहा है। इसका मतलब भैया हमारे पीछे मेरे गृह मंत्रालय खड़ी है बचाने के लिए। शायद यही वजह है कि जब इस तरह का कोई मामला दिल्ली में, अभी जिस तरह से मोहित शर्मा का मामला सामने आया मंगोलपुरी का, उसमें जिस तरह से उत्तर प्रदेश से भी हिंदूवादी संगठन वहाँ जा रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, घर को तोड़ा जा रहा है, कपिल मिश्रा भी उनके लिए चंदा इकट्ठा कर रहा है, तो एक ये ट्रेंड बन गया है कि इस तरह की चीज़ें कीजिए और अपने आप को हाईलाइट कीजिए, बीजेपी में आगे बढ़िए। मुझे वो सीन जो मैंने देखा ना मंगोलपुरी का, देखिए मैं मंगोलपुरी में जब शुरू में मंगोलपुरी बसी ना, तब से मैं जानती हूँ, हमारी महिला समिति तब से हमने वहाँ काम किया, कभी भी इस प्रकार की कोई फीलिंग नहीं थी, सब एक साथ मिलकर रहते थे। जो मैंने वो सीन देखी मंगोलपुरी की, रिंकू शर्मा के संबंध में बहुत गलत हुआ। कोई भी लड़का का इस प्रकार का हत्या, सबको दुख होता है। पुलिस के बयान के आधार पर ये स्पष्ट है, उसमें कोई सांप्रदायिक मामला नहीं था, उसमें कोई धर्म का सवाल नहीं था, पुलिस ये कह रही है। लेकिन आप उसको सांप्रदायिक बनाने के कारण आपने वहाँ जाकर ऐसे किया और पुलिस देखते रही और दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने कोई कदम नहीं उठाया, ये क्या है आप बताइए, ये क्या है, आप क्या मैसेज दे रहे हैं? आप मैसेज दे रहे हैं जाओ जो मर्जी करो हम तुम्हारे साथ हैं। इसके अलावा आखिरी सवाल मैं करना चाहूँगा, जिस तरह से महमूद पराचा का अगर मामला देखा जाए तो कहीं ना कहीं एडवोकेट जो इस पूरे केस से जुड़े हुए हैं उनको भी धमकाया जा रहा है, उनको भी डराया जा रहा है। बिल्कुल, बहुत गलत हुआ प्राचा साहब के साथ, बेहद गलत हुआ। हमारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ने भी उसका पूरा विरोध किया, प्रधानमंत्री को चिट्ठी दी, राष्ट्रपति जी को दिया, बहुत गलत हुआ। और अच्छी बात है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बाकी तमाम वकील साथ दे रहे हैं। शुक्रिया इतनी वरिंदा कराज जो हमसे बात कर रही थी दिल्ली दंगों को लेकर, जिस तरह से अभी तक लोगों को इंसाफ नहीं मिला है और उसके साथ ही जिस तरह से अरविंद केजरीवाल का जो इस पूरे फसादात में रवैया रहा है उसके ऊपर कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं। दिल्ली से कैमरा पर्सन फैयाज मोहम्मद के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए शकील अहमद। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।